मैं भी यही बोलता पहली कि क्यों मैंने खुद ने झूंझ लाती कि मैंने यो बना तो कि क्यों बिना मतलब टाइम खराब कर रहे है। लेकिन फिर वह यहाँ का जो विज्ञान का सर है अनिल जी गोरा वह को कोई फार्म भर और फिर भी इन्हें नगद राशि मिली 10,000 रुपया राज्य सरकार द्वारा। सगला भैया राम राम मऊ थारू देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत छाउसरी में। एक ऐ की मिसाल पेश करी है एक छोटी सी उम्र में जी उम्र में आज आप देख रहे हैं बच्चा सारे दिन फोन में लगे रहे हैं बैठे ही आज एक नयो आयाम और नयो कीर्तिमान ये चीज़ ने आप मान के चला कि जी तरीका बड़ा बड़ा लोग इंजीनियर ही चीज़ में लगे हैं बैठे छोटी सी उम्र के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के मैंक कुमाउत के द्वारा एक मॉडल है को तैयार करो गयो है बी के बारे में आज पूरी जानकारी थान दिलवासी हूँ। और बी के साथ में अगर बात करें बाका पिताजी की भी तो मेरे पीछे ये फोटो थे देख रहा हो शिक्षा विभाग का ये जो लगातार सम्मानित करा गया है बा के द्वारा थाना अधिकारी की भी बात कर ले तो बैठाऊँ भी बा के द्वारा ने सम्मानित करे गए हैं काम करे हैं चित्रकारिता को। क्योंकि एक कहावत आपने जो है कि बहुत बार ये चीज़ प्रचलित है कि चूहा को जाएड़ो तो बिल खोदेगो तो बाई चीज़ कि पिता चित्रकारिता कर रहे हैं तो बेटा भी बा कला ही कि भाई आज एक मॉडल है का तैयार करे गए हैं भाई मॉडल अगर ये टाइम में था दिखाऊँ तो बिक मैनू ये हाइड्रा की एक जो हाइड्रा मशीन अपना आवे है जो लोड वगैरह उठाने के लिए है और दूसरी अगर बात करी जा रही है तो जो बिजली का पोल वगैरह गार्डन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जो चीज़ आ रही है वह अपने जो मॉडल वह तैयार करे गए हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ मयंक और मयंक का पिताजी विनोद कुमार जी हैं। पहली मैं बात करूँगा मयंक हूँ क्योंकि ये मॉडल जो तैयार करे गए हैं कठाऊँ तो प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के बाद में की तरीका हूँ आने तैयार करने में परिवार को जो सहयोग रही हो मैं ये चीज़ में सब पहले जानना चाहूँ तो कि की तरीका हूँ ये चीज़ की शुरुआत हुई बच्चा ही जो एक नॉर्मल खिलौना बनाओ लेकिन खिलौना अलग ये चीज़ थे बनाई है कठाऊँ या प्रेरणा मिली था ये पड़ोस में एक दिन है ना पोल लिफ्टर आ रही जहाँ इन्हें देख के बाद में इन्हें बनायो मैं ये के ही पोल लिफ्टर इको नाम भी मतलब कठाऊँ फिर ये निकल गई कठाऊँ ये चीज़ की जानकारी जुटाई गई ये मैं फ़ोन पे देखा था इसका नाम तो इलेक्ट्रिक पोल लिफ्टर नाम है खंभे गाड़ने वाली मशीन। हाँ और एक ये जो हाइड्रा मशीन आपने है जिगमैन मोस्टली लोड जो भारी पत्थर वगैरह या फिर भारी चीज़ उठाने के लिए बनाई जाए तो एक ही प्रेरणा कहीं से के मिली और फिर इन जो बनाई गई एक दिन पड़ोस में पटाओ बाड़ो बड़े है ना ये हाइड्रा क्रेन आ रही जान देखी बिना और बाद में बनाई। कौन प्रेरित करा था नई चीज़ के लिए या फिर खुद की इच्छा ही खुद की इच्छा ही और मरा अनिल जी सर है जो माने विज्ञान पढ़ाओ वे भी माने मोटिवेट करता रहे इन्हें मैं पीवीसी पाइप से बनाया हूँ पहले तो एक ही सीट बनाई पीवीसी पाइप की बाद में इन्हें बनाया मैं दोस्तों विनोद जी ही मैं बहुत बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि अगर घर कुछ भी चीज़ तैयार करी जा रही है तो मोस्टली पेरेंट्स ने इस चीज़ को तो ध्यान रहे ना कि ये चीज़ ही तो मैं कठाऊँ भी चीज़ ने तो विनोद जी चित्रकारिता करो हो बच्चा देखे हैं बिल्कुल मैं ये चीज़ ने आज प्रभावित हो रही हो वीडियो बनाने का पीछे उद्देश्य यही हो दोस्तों क्योंकि पिता ने देख के पुत्र में भी वह सृजनात्मक चीज़ उत्पन्न हुई कि मैं भी कुछ नयो करूं कुछ नयो करके और आज मयंक की बात करी जा रही तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड जो मिलो है और 10,000 रुपये की इनामी राशि जो थान मिली गई है अभी स्कूलों हाँ। स्कूल के द्वारा बी के बारे में भी आप बातचीत करांगा स्कूल स्टाफ अभी भी जानकारी लेंगे कि की तरीका बच्चन प्रेरित करो। विनोद जी मैं सब अभी खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर जी जानना चाहूँगा मैं कि बच्चन इस तरीके के लिए चीज़ों के लिए प्रेरित करना पीवीसी पाइप के बारे में जानकारी देना हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी आपने जो हार्डवेयर को जो सामान है लेकिन बिग चीज़ के लिए कुछ तो शायद हेल्प थे भी करी होगी देखो हेल्प या जो पीवीसी पाइप है ना ये तो दुकान के अंदर पड़ी है ठीक है तो पीवीसी को भी पहली तो एक लो की सीट ही तो बी को मॉडल तैयार करियो फिर वो बढ़िया कौन लगे इन्हें तो फिर एक दिमाग में आई कि आप पाई सीट ने सीधी करके पाइप गोल पाइप आवे यो देखो एक सेकेंड में दिखाऊँ था यो पाइप हो तो इन्हें काट के और गैस पर गर्म करके और फिर आपका दिमाग से इन्हें सीधो कर लियो तो यह सीट बन गई सीट को फिर छोटा छोटा टुकड़ा काट के जे इन्हें जुड़ती और फिर विकिक से चिपका के और फिर यू एक बॉडी तैयार कर दी। क्यों थे ये चीज़ के लिए प्रेरित करा एक माता पिता जो हमेशा यही चाहोगे कि क्यों टाइम खराब कर रहे हैं ये चीज़ में क्योंकि सौ बड़ी चीज़ यही लगा ना कि अपन ने बनानु पहले कुछ भी समझ में को ना रहे हो बने पास में तो चलो यह चीज़ लगी होगी यो एक मॉडल बनो है लेकिन पहली तो ये लगता होगा ना कि पढ़ना क्यों टाइम मैं भी यही बोलता पहली कि क्यों मैंने खुद ने झूंझ लाती कि मैंने यो बना तो कि क्यों बिना मतलब टाइम खराब कर रहे लेकिन फिर वह
यहाँ का जो विज्ञान का सर है अनिल जी गोरा, मैं आपको कोई फार्म भर और फिर भी नगद राशि मिली 10,000 रुपया राज्य सरकार द्वारा, तो फिर यो उत्साहित होगू और माने भी लागू कि कुछ आगे पूछ सके, तो इन्हें मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ उपलब्ध करवाई। और ये जो देखो ये दिख रहा है ना तन, ये सब जो खराब सामग्री है, जो अपना पेन है या लकड़ी है या जो धागो है, कई सी चीज़ें हैं कि आपका हाथ से तैयार करके यो इन्हें इस्तेमाल करिए कि सहयोग में ये चीज़ जाऊँ कि थे भी जहाँ चित्रकारिता करो हो तो कि घर भी चित्रकारिता की बात चलती होगी होती होगी कि भाई फलाने जगह काम आए या फिर इस तरीके की पापा पेंटिंग करे हैं, तो बच्चा में भी चीज़ों कुछ प्रभाव हो। अभी यो देखो जो यो मॉडल तैयार करे हो ना एक अंदर मारो, तो यो हेल्प रही है कि जो ये सामान रेडीमेड सामान है दो चार ये मोटर वोटर ये उपलब्ध करवा दी मैंने, और बाकी जी मैं खुद काम पर जाऊँ खुद काम करूँ तो माने देख कि यो भी चीज़ ने पकड़ ली और मैं तो कला में पहचान बनाई बनाई और मार से भी हटके काम करे। बिल्कुल, अभी मैं बात करना चाहूँगा, चलो मैं इंक तो ये मॉडल तैयार करे हैं, थे भी चित्रकारिता में अभी तक कित कठे कठे काम कर चुके हैं और सौ बेस्ट कौन सी जो चित्रकारिता की अगर आप बात करें तो बा थारी री है जिकले थान सम्मानित करे गए। देखो मेरे ही मेन काम तो है राइटिंग को और चित्रकारी को, और मैं जिला भर के राजकीय स्कूल में काम करे, मतलब पूरी जितनी भी स्कूल है ना सरकारी स्कूल वहाँ में काफ़ी काम करे, और मेरी एक मैन पेंटिंग रही है राधा कृष्ण की जो झूलो झूल रहे वहाँ मैं थाने दिखाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, जो स्क्रीन पर थे या जो चित्र या फोटो देख रहे हो या हूबहू अंक द्वारा बनाई गई है और लगातार ये चित्रकारिता में काम कर रहे हैं और व्यू ही प्रेरित होकर आज मयंक द्वारा ये मॉडल तैयार करे गए हैं। मयंक, मैं थोड़ा सा यह भी जानना चाहूँगा कि अभी यही चीज़ है हाइड्रा की अगर इन बोला आप बात करा तो एक मान कौन सी इनकी तकनीकी थारे द्वारा यूज करी गई है और अभी के इन चला के भी आप दिखा सका। हाँ हाँ दिखा सकूँ चला के। बिल्कुल दोस्तों, देखो मैं दिखाऊंगा थाने कि की तरीका इन पूरों जी तरीका हाइड्रोलिक आवा है या एक मैन पूरा हाइड्रोलिक काम है पूरा पावर काम हुआ है तो वह चीज़ एक मैन यूज ली गई है। ये चीज़ है या की तरीका इन बनाई गई है? ये पावर बॉक्स है, ये पीवीसी पाइप से बनाया और इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, एक अंदर जो बैटरी डाली गई है 12 वोल्ट की बैटरी अकठाओ जुटाई या जो बाइक के अंदर बैटरी आती है उससे जुटी है। बहुत जुटा ली, मतलब कहीं दिमाग में आयो कि मैं या बैटरी मन भटे मिल सके है? एक दुकान है वहां पे गया था मैं पूछा था और फिर ले आए थे इसे। अच्छा ठीक है, अभी आ काम कैसी करेगी एक मैन आप जय देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सो दिखाना चाहूंगा कैमरा के मान यह चीज कि एक अंदर नोट डाउन भी करे गए है कि ई के है ये चलेगी इसे इंजन का है और एस भाई देख लिया स्टीयरिंग हाँ और एल लिफ्ट आर और ये है रस्सी के लिए दोस्तों ये लिफ्ट डाउन ड्रोवर मतलब पूरी चीज़ के ऊपर नोट डाउन करी गई है कि वो मॉडल तैयार करे गए है जिस तरीके की बहुत बड़ा इंजीनियर बैठ के ये चीज़ ने तैयार करी होगी। मैं चाहूँगा कि एक इन्हें चला के अगर थे दिखा सको अभी तो। हाँ चला के दिखाऊँ, इससे चलेगी आगे और पीछे। अच्छा एक लाइट ये लिफ्ट है तो ये सामान में उठा के दिखा सकता है इसे। अब डाउन खास बात यह है कि अंदर जो जैक बनाए हुए यो आपने खराब पेन हो जाए खाली पेन हो जाए भी के द्वारा बनाए गए जो रेडीमेड को नहीं हाथ से तैयार करे हुए। हाँ हाँ। और ये रस्सी के लिए देख रहे हो दोस्तों, यह एक शुरुआत है अभी। और ये देखो एक स्पीड कंट्रोल भी किए हुए उसके है जो थरिया जो स्पीड एक मान दी गई है या जो एक स्पीड की बात कर रहे हैं ना आप चलो ऊपर एक मान उठा लियो अभी सिर्फ जहाँ आगे चले हूँ आगे क्यों चले या? ये बटन से और यूं ही पीछे चलेगी ना। हाँ।
यो की तरीका कनेक्ट करो गए हो? इकले तो कोई तो जानकारी जुटाई गई होगी कि मैंने यो वायर आप अठ्यों लगावांगा। इको बेस, जो बेस की अगर मैं बात करूँ ना, सब पहले तो एक ऊपर शायद ये टायर वगैरह जोड़ के कराया गया होगा तैयार। हाँ, पहले टायर जोड़ के ये मोटर वगैरह नहीं लगाई थी इसके, ये ऐसे बनाया था, फिर कच्चा मॉडल बनाया था, ये काम करती है। दोस्तों बहुत जटिल काम यो है, क्योंकि जो हाइड्रा या फिर जो अपने जेसीबी वगैरह आए हैं वे सिर्फ प्रेशर काम करे हैं, बाकी मैंने जो प्रेशर जो डालो जा है और बिकी ड्राइविंग करना भी काफ़ी हार्ड है, और भी को यो मॉडल तैयार करो गयो है मैंग के द्वारा, एक छोटी बात को नहीं है दोस्तों, एक शुरुआत है। और एक सौ बड़ी बात मैं अगर थान बताऊँ तो मैंग है जो छाउसरी ग्राम की जो गवर्नमेंट स्कूल है बिकमान पढ़ाई कर रही है अभी, स्कूल को के सहयोग स्कूल की तरीका था नहीं चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा मारा टीचर है, पूरा बच्चा ने प्रोत्साहित करता रहे, बाद में मैंने भी मोटिवेट हो, मैं भी बाद में बनाया हूँ मॉडल। कौन सी क्लास में हो अभी? दसवीं में। दसवीं क्लास में हो, देखो दोस्तों दसवीं क्लास में भाई के द्वारा ये मॉडल तैयार करी गया है, तो सोचो आने वाली टाइम में तो मने अलग है कि इन और भी बड़ा रूप में भी तैयार करी जा सके। के करना चाहो आगे, की टारगेट थारो है कि कौन सा फील्ड में जाना चाहोगा और की चीज़ जो नहीं करना चाहोगा? मैं अगली बार एरोप्लेन बनाऊँगा, हवाई जहाज। और उसके आगे के टारगेट है, टेंथ के बाद में के सोच रहे हो, कौन सा जो सब्जेक्ट वगैरह को सोच रहे हो या फिर और भी की तरीके की क्या चीज़ करना चाहोगा? मैं टेंथ के बाद में इंजीनियरिंग करूँगा, सब्जेक्ट लेके इंजीनियरिंग करेंगा दोस्तों। और परिवार की अगर मैं बात करूँ तो कि ये चीज़ों सहयोग है पिताजी को माँ को कि भाई ठीक है बच्चों जो भी कर रहे हो अपन ये चीज़ में करने दो आगे बढ़ने दो? हाँ पूरा सहयोग है हमारी तरफ से। 10,000 रुपया मिलने के बाद में ये सहयोग होगा भी पहले तो नहीं? नहीं नहीं बात तो सही है, लेकिन पहली तो क्या है कि ध्यान को नहीं मारो खुद को भी कि यही करें ही करें, लेकिन बाद में इन्हें तैयार करो ना तो थोड़ी दिमाग में आई समझ भाई कि वास्तव में क्यों कर सके हो, क्योंकि दो ये खेल खेल में मजाक मजाक में। हाँ पहली तो कह जी हम माचिस से गाड़ी तैयार करी, फिर कोई डब्बा से तैयार करी, या करतो करतो फिर और भी को दूसरा रूप बनायो, या करतो करतो और बढ़िया मॉडल बनायो, अब की बार और भी मतलब कि इन्हें दूसरा रूप में तैयार करोगे। दोस्तों यह जो बनाई गई है इन्हने के बोले आप इलेक्ट्रिक पोल लिफ्टर है जो यो सौ पहलो मॉडल है जो मैंग के द्वारा बनाया गया यो है। और सौ बड़ी चीज़ दोस्तों मैं एक मान थान दिखाऊं, एक मैंने प्रेशर ने मेंटेन करने के लिए भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, ये ही जो सिरिंज हो या जो प्रेशर मैनेज करो जा रहे हो दोस्तों। एक मैंने मैं चाहूँगा मैंग कैसे ये चीज़ ने तैयार करी, ये आइडिया कठे आया कि मैंने इस तरीका हूँ, एक मैंने ये जो दोस्तों जैक भी बनाए गए हैं का मैं ये चाल से काम करेंगे अभी? हाँ, काम करेगा। बताओ थोड़ा सा कैसी जो काम कर रहे हो? ये लिफ्ट के लिए है। ये देखो दोस्तों थे अभी देख पा रहा होगा यह चीज़ की तरीका हूँ, यह लिफ्ट है जो पोल उखाड़न के इन काम में लिया जाए ना। हाँ। जो यह काम कर रही है क्योंकि पूरी प्रॉपर तरीका हूँ, प्रेशर इकमान रिलीज हो रहे हैं, ये देखो प्रेशर इकमान दोबारा जब लगो तो ये देखो ये ऊपर उठ रही है। यो आइडियो यो प्रेशर ई तरीका हूँ अपा इन्हें रिलीज कर सका, हाँ प्रेशर इकमान डाल सका, हाँ वापस हटा सका, हाँ यो आइडियो कठे आए हो? यो फोन में देखिए बनायो, ये सिरिंज में देखियो। अच्छा मतलब तो के तरीकों सर्च करो, इन सर्च के करो एक मैन की के चीज लगा के सर्च करो कि इलेक्ट्रिक जैक कैसे बनते हैं, फिर ये सिरिंज आई इसमें। ये देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक जैक तैयार करने के लिए ना कि इलेक्ट्रिक जैक जो आए हैं वह कैसे तैयार करा जाए हैं, और भी को एक उदाहरण दोस्तों, क्योंकि बहुत बार आपने ये चीज हो ना कि मोस्टली अगर गांव में एक जेसीबी काम कर रही है तो 50 जना भी देखने खड़ा रहेगा, आगे पीछे खड़ा करने रहेगा, लेकिन बीच चीज़ पर कोई कौन दिमाग लगा हुआ कि एक महीने यो जो प्रेशर कैसे बन रहे है, यो प्रेशर रिलीज कैसे हो रहे। और सब बड़ी चीज़ एक मैं विनोद जी देखा अपना कि अगर ट्यूबवेल बनाया जा रहा है तो बिग मैन ट्यूबवेल की मशीन देखने कता लोग इकट्ठा हो जाए। सही बात है, और वही चीज़ आज देख के मैंग क्यों मॉडल बनाए होगो। और अभी तो मैंग का मम्मी भी आ गए हैं, तो शायद पापा तो फिर भी चलो 12 चला जाए ही, तो मम्मी के सहयोग करता थारो के सहयोग मान रहे तो मैंग के लिए ना सर शुरू में चालू करिए ना, जिससे कोई गैस का चालू करने नहीं करनी आती ना। हाँ। और कोई के नाम ढक ढक देना ही, कोई माचिस देनी, खाली शुरू में सब चालू करिए छोटी चीज में से ही छेद काटना कोई और करना या काम करके जको बच्चो गैस चालू कौन कर सके, वो ये पावर लिफ्टिंग मशीन बना रहे है सोचो थे छोटी भी बना रही छोटी कई सब मॉडल है मतलब बना के तैयार कर रखे हैं पहले हुई कि मैंने फोटो खींच के रख मिले हमारे दिखा से। अच्छा
तो जय अभी के बाद में मयंक को अभी तो इंस्पायर अवार्ड के लिए सम्मानित होनो हाँ। के देखो ये चीज में की थे खुद भी कौन सोची और इंस्पायर अवार्ड मिलनो ना ये बिल्कुल ही कोनी भाई ये हो जाओगी बिल्कुल यही चीज दोस्तों क्योंकि परिवार ने विश्वास ही कोनी हो कि इस तरीके की नॉर्मल यही चीज मानना कि आप की उसके तैयारी कर रहे हो खेल रहे हो खेलन का खिलौना बना रहे होगो या फिर वही चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दिया लेकिन यही चीज़ जो इंस्पायर अवार्ड के लिए जानो एक बहुत बड़ी बात और स्कूल स्टाफ जो गुरुजी ही इंस्पायर अवार्ड के लिए जो जठा तक भेजा ही मयंक ने वह भी अभी अपने साथी में बाहू भी चाहूँगा बातचीत करना और जानना कि तरीका हूँ जो मयंक ने मोटिवेट करे और फिर इंस्पायर अवार्ड के लिए वह भेजा। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। मैं चाहूँगा सौ पहले ही थारू परिचय अपने दर्शकान करवा दो। मेरा नाम है अनिल कुमार गोरा सीनियर टीचर साइंस महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छावसरी। बिल्कुल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छावसरी में ये कार्यरत हैं और ये मॉडल तैयार किया गया बच्चा ने स्कूल में आज जो एक देखा कि इंस्पायर अवार्ड के लिए तो स्कूल के थ्रू ही भेजो जा सके क्योंकि शायद कोई भी गार्जियन जो डायरेक्ट भी के अप्लाई हुए हैं नहीं विद्यालय के द्वारा ही ये केंद्र सरकार की एक योजना है इंस्पायर अवार्ड। इसमें क्या है बच्चों का साइंटिफिक माइंड तैयार किया जाता है बाल वैज्ञानिक के रूप में बच्चों को तैयार किया जाता है जिससे बच्चे का क्रिएटिव माइंड हो वो नए नए मॉडल बना सके नई ऐसी कोई उपकरण मशीन बना सके जिसका यूजफुल अपने समाज में भी उसका हो सके और मानव हित के लिए भी उसका किया जा सके और ताकि वो कम लागत पे भी सबको पर्याप्त हो सके। दोस्तों बातचीत करी और देखो एक यही चीज़ पीवीसी पाइप ही तैयार करी जा रहे हैं लगातार ये मॉडल ही जो अन्य रूप दिया जा रहे हैं सही में ही एक बहुत बड़ा और ये तो देखो पूर्व पीछे जो एक डम्फर टाइप में जो बनाए गए है बच्चा खेल में जब यहाँ की चीज़ बना रहे हैं तो क्यों ना आज ये सोशल मीडिया को आप टाइम बोल रहे हैं बिक मैन लगभग परिवार या फिर बच्चा ही जो फ़ोन में लगभग लगे रहे क्यों ना वह एक ही चीज़ देखें और मैं तो आज माता पिता हूँ यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आज बच्चा ने फ़ोन दे रहे तो कमो कम इस चीज़ ने तो ज़रूर मॉनिटर करें कि वह बच्चा ही जो फ़ोन में देख रहे के ही कौन सी के चीज़ के एक्टिविटी बांगे दिमाग में चल रही हैं क्योंकि जिस तरीके का स्टेटस आज लग्जरी लाइफ बच्चा जी रहे हैं तो क्यों ना वह लग्जरी लाइफ आना है जो कुछ नयो समाज में बनाने के काम में ले जाएँ। मिला परिवारों बातचीत करी मयंक का पिताजी बातचीत करी जो खुद एक बहुत ही शानदार पेंटर ही लगभग झुंझुनू की स्कूलों के मानबा के द्वारा पेंटिंग करी गई है मयंक जो आज यहाँ का मॉडल जो तैयार कर रहे है और इंस्पायर अवार्ड सम्मानित करे गए है 10,000 रुपये की राशि बिन मिली है। बातचीत करी वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ थारा भी आसपास में कोई भी यहाँ की अगर प्रतिभा है तो भी के बारे में भी जरूर बताओ ताकि बैठे भी पहुँचा और भी अपना दर्शकों तक दिखाई जाए। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।